subscribe my channel DXN4URYK. Press the bell icon for latest new videos. Thanks for watching. मैं जब मैं जाके बैठा पार्क में, मैं सफर कर रहा था तो मैं इधर इस सीट पे बैठा था जब फुलौर साहब बैठे थे, यहाँ पे एक फैमिली आई मेरी बराबर वाली सीट, एक खातून थी उनके साथ एक अजर बैठे, दो बच्चे थे उनके, एक और लड़का था, यंग सा लड़का था 24-25 साल की उम्र का। उन्होंने वो सामान लेके आया, उसने सामान रखा, सामान रखते ही गायब हो गया। ठीक है, तो 5-6 मिनट के बाद दोबारा वापस आया। टाइम कौन सा है? सुबह का। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में वो स्प्राइट कितनी बड़ी बोतल थी। तो खातून ने उसे पूछा, ये क्या तू ले आया सुबह सुबह? कहते बाजी मुझे प्यास लगी। क्या जिस स्टॉल पे वो स्प्राइट लेने गया रेलवे स्टेशन के, क्या वहां पानी नहीं मिल रहा? लेकिन क्योंकि हमने अपनी आदतों को इस तरह से तब्दील कर लिया है कि हम ये समझते हैं कि ये चीजें हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए नुकसान नहीं है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना जानते हैं तो जरूर जाइए और उसमें नेट पे जाइए और कहीं भी जाइए, रीजन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन मेल, हड्डियों के मर्दों में हड्डियों के भुरभुरेपन की वजह, आपको कई तहकीकें खुलेंगी, कई पेपर्स खुलेंगे जो ये आपको ये बताएंगे कि ये जो असेंशियल या कुदरती मांगनियात हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, ये इन कोल्ड्रिंक की वजह से हमारे जिस्म से बाहर निकलते हैं, खारिज हो जाते हैं। और नतीजा क्या हो रहा है, आज हमारे 24 साल का लड़का भी जो है वो शिकायत करता है मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मेरे पट्टे अकड़ रहे हैं, इसकी वजह यही है। फिर बात आती है कि हमारी रिजा वो हमारे हमें बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। तो अगर हम ये स्पाइरल जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी रिजा में शामिल करते हैं तो ये सारी चीजें हमें क्या मिले, हमें मिलती रहती। यहाँ यहाँ पे कोई बीमार का जिक्र आया क्या? ये सिर्फ सारी चीजें सिर्फ बीमार को चाहिए? ये रिजा है हमारे रोजमर्रा की रिजा कि हम अपनी जरूरत के तहत रोजाना की खुराक में इसको शामिल कर लें। विटामिन B12 है, B12 भी जो है हमारे, अभी मैंने शुरू में बात की थी और दिखाया भी था, हमारी मेंटल हेल्थ। तो B12 क्या करता है, हमारे नासाबी निजाम को मजबूत करता है। जब हमारा नासाबी निजाम मजबूत होगा तो हमारे बर्दाश्त करने की सलाहियत क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस पायलना से हम अपना स्ट्रेस का लेवल भी या जहनी तनाव का लेवल भी कम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे तो मिनरल्स हैं इसमें, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम सारे इसमें पाए जाते हैं, सारे के सारे इसमें विटामिन इसमें पाए जाते हैं, जो मैं आपको पहले पीछे भी बता चुका हूं। जब हम इस पाउडर इस्तेमाल करते हैं और गिजाई अज्जा इसकी मदद से हमारे जिस्म में जाते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, कुव्वत मुदाफियत का निजाम बेहतर होता है, क्योंकि हमारी गिजाई जरूरियात पूरी हुई। जब हमारी गिजाई जरूरियात पूरी हुई तो हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर अंदाज में काम करेगा और हम बीमारियों से बहुत हद तक महफूज रहेंगे। मर्ज, बीमारी, शिफा, मौत, जिंदगी सब अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तरीका इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी दिल और शरीयानों के निजाम को बेहतर करता है, क्योंकि जब हम प्रोटीन खाते हैं या स्पाइरुलिना की शक्ल में हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारी गिजाई जरूरियात बहुत हद तक पूरी होती है। और जब हमारी गिजाई जरूरियात पूरी हो रही है तो हम बहुत सारी चिकनाईदार अशिया से बच जाते हैं। तो हमारे सबसे बड़ा क्या है कार्डियोवैस्कुलर में, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमारा किरदार अदा करता है कि दिल के दौरे और दिल के अमराज में कोलेस्ट्रॉल भी से कम होता है। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो भी बेहतर होती है, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करता है और हमें ऐसे चीजों से बचाता है, ऐसे
मोदी अमराज से बचाता है जैसे कैंसर जैसे मोदी अमराज। ठीक है, ठीक है, किस तरीके से हम इस पैराग्राफ को इस्तेमाल कर सकते हैं? और हम लोग पूछते हैं भाई कैसे इस्तेमाल करना है, सादे पानी के साथ, चाहे वो ठंडा हो या गर्म, उसके साथ इस पैराग्राफ का इस्तेमाल कीजिए, सादे पानी के साथ। ठीक है, जूस सॉफ्ट कॉफी वगैरह के साथ या चाय के साथ इस्तेमाल ना कीजिए। ठीक है, जब आप स्पायरोलिना लेते हैं इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी चीज जैसे अल्कोहल है हमारे मार्शल में नहीं, लेकिन ये भी होगा बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम हर त्यौहार पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक या कॉफी वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा बेहतर है कि 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक अगर आपने स्पायरोलिना कंज्यूम किया, क्योंकि उसके एंजाइम वगैरह के डिस्ट्रॉय होने का ये दबाव खत्म होने का डर। ठीक है, जब आप स्पायरोलिना ले रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ज्यादा पीजिए। ठीक है, तकरीबन अगर आप 4 गिलास पी रहे तो 6 गिलास पी लीजिए। ठीक है, और इसका कोई फर्क नहीं है कि आप दिन में 1 मरतबा लें या दिन में 4 मरतबा लें। अगर आपको 12 गोलियों की जरूरत है तो आप 12 गोलियां एक वक्त में भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप इसको तोड़ के भी खा सकते हैं। 4 सुबह में खाली, 4 दोपहर में खाली, 4 रात में खाली, या 6 सुबह खाली, 6 रात में खाली। तो इससे यह फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने 12 खाई तो मुझे कम गजाइत मिलेगी, या 6 सुबह खाई और 6 रात में खाई तो मुझे ज्यादा बेहतर गजाइत मिलेगी। नहीं, आपकी जितनी जरूरत है अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी पूरी की पूरी गजाइत मिल जाएगी, चाहे वो एक दफा लें या तोड़ के लें, या आपके ऊपर है। ठीक है, आपको गजाइत की मिकदार चाहिए। ठीक है, कौन कौन लोग स्पायरोलिना ले सकते हैं? वो लोग ले सकते हैं जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको आप ले सकते हैं। जो वेजिटेबल या फ्रूट नहीं खाते, क्योंकि आजकल हम बच्चों को वेजिटेबल और फ्रूट नहीं खिलाते, सब्जियां और फल नहीं खिलाते, हम उनको क्या करते हैं, ये पैसे ले लो जाके टॉपअप कर लो भाई, स्कूल भेजते हैं तो कहते हैं भाई ले लेना जाके फ्रेंच फ्राइज खा लो, हम उनको सब्जियां फलों की आदत डालते नहीं। अभी मैं आ रहा था कि साहब मेरे साथ रहीमान खान से आए, तो मैं देख के हैरान रह गया यार, इतने सेहतमंद सिट्रस थे। हम तो कराची में देखने को तरसते हैं, लाइन से रेडिया लगी है लेकिन खरीदा कोई नहीं है, किस बात की निशानदेही। हमने अपनी जिला को किस पूरे तरीके से तब्दील करी, और ये रात में अगर हम देखेंगे तो मिठाई की दुकानों, बेकरी, पेस्ट्री, केक, इस पे रश लगा, इसका मतलब ये महंगी है। वो कितनी महंगी हो परवाह नहीं होगी, हम खरीदते हैं, उनका चाय का चखा है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो बच्चे जो वेजिटेबल या फ्रूट यानी कि सब्जियां और फल कम खा रहे हैं, ठीक है, या उनकी रिजाइत जो है या रिजा जो है वो गैर मुतवाजन है, टीनेजर नौजवान, ठीक है, जो तेजी से बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको तवानाई की ज्यादा जरूरत होती है, खेल कूद है, पढ़ने लिखने का काम है, तो ज्यादा तवानाई की जरूरत है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमला खवातीन, वहां भी तवानाई की रिजाइत की ज्यादा जरूरत है, बल्कि डबल हो जाती है जरूरत, तो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, सीनियर लोग यानी हमारे बुजुर्ग, बुढ़ापे में क्या होता है, रिजा कम हो जाती है, आधी रोटी खाते हैं दिन भर उनका गुजारा हो जाता है, लेकिन दिन ब दिन कमजोर होते चले जाते हैं, क्योंकि उनको पूरी गजाइत नहीं मिले, हाजरे का मसला है, दांतों का मसला है, और उसकी वजह से उनके तो वहां पे हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, खेल कूद जो लोग चाहे करते हैं, चाहे वो नौजवान है, चाहे उम्र रसीदा है, बड़े लोग, तो जाहिर सी बात है वहां भी जो है ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है, तो खिलाड़ियों को भी आप दे सकते हैं। आज के दौर के जदीद लोग, ओ, मैं तो यार बहुत बड़ा सनतकार हूं, मुझे खाने का टाइम नहीं है, सिर्फ पैसे जोड़ने का टाइम है, क्या होगा, जिंदगी भर पैसे जोड़ूंगा, जब आखिर में उम्र जो है वो क्या होगा, वो सारे पैसे हाथ से, जिस हाथ से कमाए थे उसी हाथ से जाके डॉक्टरों और अस्पतालों में खर्च करूंगा। तो ऐसे बिजनेसमैन कि जिन्हें टाइम नहीं है खाने का,
या जिनके खाने का कोई शेड्यूल ही नहीं है, या जिनके खाने का कोई जो है वो तरीका ही नहीं है, तो वहां भी आप उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि भाई अगर आप जो है तो आप इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आप ज्यादा बेहतर रह सकते हैं। मरीज ऐसी बात है, मरीज को गजाइत की भी जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों से उसको मना कर दिया जाता है, तो इस पारंपरिक कुदरती अंदाज में उनकी गजाई जरूरियात को पूरा करती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सब्जी ही पसंद करते हैं, गोश्त नहीं खाते, लेकिन प्रोटीन भी हमारे लिए जरूरी है। अभी हमारे डायरेक्टर आए थे आशीष, ठीक है, वो आप ही कम्युनिटी से हैं, वो वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते, ठीक है, नहीं बात है, गोश्त नहीं खाते, उनका हमारा मसला नहीं है, लेकिन वो स्पायरोलिना पूरी पूरी 120 टैबलेट की बोतल खा लेते हैं। वो एक हमारे मेंबर थे, उनसे उन्होंने पूछा तुम कितने खाते हो, उन्होंने कहा जी 6 सुबह खाता हूँ 6 शाम का, और गिन के खाते हो, ये लो देखो बोतल आओ, वो पूरी बोतल खा, ठीक है। तो वो अपराध क्या है, वो इरिस्पेक्टिव उसके राज्य से जहां पे गोश्त नहीं खाया जाता, वो भी क्योंकि ये भी एक पौधा है, ठीक है, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अपनी रुदाई जरूरियात को पूरा कर सके, ठीक है। तो इस पायल में क्या है, नेचुरल टाइप ग्लूटेस है, पहले क्या है, इजी टू टेक, तो आप उसको जब इस्तेमाल करेंगे तो अगला क्या कहता है, डिस्कस करेंगे अवेलेबल फूड, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल डाइट टुडे। अगर आप इसके वाकई जो इसके कश्माती नताइज हैं या फवायद हैं वो हासिल करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है, और वो क्या है, इसको इस्तेमाल करें। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके नताइज हासिल करेंगे, और जब आप इसके नताइज हासिल करेंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज में लोगों को बताने के काबिल होंगे। अगर आप बहसियत मेंबर इसको डेलीगेशन मेंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप लोगों को क्या बता सकेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक साहब थे, हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, उनसे किसी ने पूछा कि जरा ये बताओ इस स्पाइरुलिना की स्मेल कैसी है या उसकी खुशबू कैसी है। जब तक वो प्रोस्पेक्ट बैठा रहा वो वापस उस टेबल पे नहीं है, तो उन्होंने कभी इस्तेमाल की नहीं। तो देखिए हमारा बिजनेस क्या है, सारे साहब ने बताया, हमने बताना है। आप बिरयानी खाते हो ना, या शर्ट पहनते हो, क्या आप किसी दुकान के सामने से गुजरे, यार उसका बोर्ड अच्छा है, यार उसकी, आप किसी को यार उसका बोर्ड अच्छा है तो उसकी बिरयानी भी अच्छी होगी, क्या कोई आपकी बात पे यकीन कर लेगा, यार बोर्ड देख के तुम बिरयानी कर। लेकिन जब आप खा के जाएंगे कि यार वो बोर्ड देके मैं गया था तो बिरयानी मैंने उसकी चखी बड़ी जबरदस्त है, यकीन करेगा नहीं करेगा। ये बेनिफिट आपने सुन लिए, बेनिफिट आपने समझ लिए, देख लिए, लेकिन खुद अपने ऊपर ट्राई नहीं किया, खुद नहीं हासिल किए, अगला कैसे यकीन करेगा। तो यही हमारा बिजनेस है, यही हमारा काम है, यही पे हमारा पैसा, कि सुनो समझो इस्तेमाल करो और लोगों को बताओ। तो यहां मैं अपनी स्पाइरुलिना के हवाले से बात खत्म करता हूं। डीएक्शन के हवाले से कोई सवाल आपके जहन में हो, स्पाइरुलिना के हवाले से हो या किसी और प्रोडक्ट के हवाले से हो, तो मैं बिल्कुल हाजिर हूं, या सिस्टम के हवाले से तो बिल्कुल मैं हाजिर हूं आपको जवाब देने के लिए। सर इससे ज्यादा मेरा स्पाइरुलिना का साइड है, मैंने भी आपको मिसाल दी कि वो हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, वो आए बात कर रहे थे, और गिन के खाना, और गिन के खाते हो और बोतल लेके आओ, यह हकीकत है। फिर उसके बाद 24 नवंबर को, यहां से तो खैर कोई नहीं था, 24 नवंबर को आप जमान साहब की टीम में, यस, जमान साहब से पूछिएगा, 24 नवंबर को हम कराची में एक हॉल है, रंगून वाला हॉल, उसमें हमने उनके साथ एक प्रोग्राम किया। उन्होंने लोगों को चैलेंज दिया कि जिसने मरना है वो स्टेज पे आ जाए,
क्योंकि उसमें पूरी एक बोतल मोरंजी और एक छोटी स्पाइरलिना 120 टैबलेट स्पाइरलिना खानी है, और उन्होंने कहा कि खाने के बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा, खाने के बाद कोई जिंदा नहीं। तो कई लोग आए, सबने खाई, जवान साहब भी उसमें शामिल थे, अभी आप फोन करके अभी लगा के पूछिए, उस भी इसमें शामिल थे, कहा है जवान साहब। तो इसकी ज्यादा मिकदार खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा, देखिए हम जैसा खाते हैं ना क्यों नहीं जैसा है, हम अगर ज्यादा मिकदार खाने तो क्या होता है, पेट में मरोड़ होगी, वॉशरूम चले गए निकल गई, या उल्टी आ जाएगी, निकल गई तबियत क्या हो जाएगी। इसी तरीके से ये जायद मिकदार अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे ना, ये गुजार है, जितनी मिकदार जिस्म को जरूरत होगी वो रख लेगी, बाकी जितनी मिकदार होगी वो भाग लेगी, ये सिंपल सा इसका हमारे जिस्म को। हाँ, गुजार सिर्फ एक ही सूरत में नुकसान देगी, कि अगर वो शरीर शरीरी हो, उसमें खराब अज्जा शामिल है तो वो नुकसान देगी, बसूरत दीगर कि हमें फायदा ही देके जाती है। वैसे बाद लोगों के लिए तो नुकसानदेह हो सकती है, किसान डॉक्टर एहसान उन्होंने लिखा है कि गुर्दों के मरीज डॉक्टर मशवरे से इस्तेमाल करना है। देखें वो उनका अपना जाती तजर्बा है, देखें गुर्दों के मरीजों में यकीनन प्रोटीन जो है वो उनको रोका जाता है, लेकिन आमतौर से किस प्रोटीन को रोका जाता है, वो रोका जाता है जानवरों से हासिल हो, क्या गोश्त ना खाए। स्पाइरुलिना क्या है? नम्रता है। हाँ, वहां पे एहतियात जरूर कर सकते हैं कि आप उसको कम मिकदार में इस्तेमाल करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारी इस्तेमाल करवाएं, आप उसको एक या दो गोली इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि ये सब्जियों से या पौधों की उससे आई, वहां पर जो प्रोटीन रोकी जाती है वो रोकी जाती है जानवरों की सोर्स से आने वाली, क्योंकि वो गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि गुर्दे वैसे ही खराब है, क्योंकि उससे क्या बनता है, उससे बनता है ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी के लिए खतरे का सबब बनती है, जैसे नाइट्रोजन, यूरिक एसिड बनता है, यूरिया बनता है ना, यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिया क्रिएटिनिन क्या है, नाइट्रोजन है इसमें सबसे ज्यादा, और ये हमारे लिए नुकसानदेह। अगर ये हमारे जिस्म में मिकदार ज्यादा हो जाए तो हमारे दिमाग की जो है वो मौत वाकई हो सकती है, तो इसलिए वहां पे उनको उस प्रोटीन से रोका जा सकता है, रोका जाता है, क्योंकि ये पौधों के सोर्स से आ रही है, इसलिए कम मिकदार में आप बिल्कुल इसको दे सकते हैं, कि ये मदद कर लीजिए कि इसके देने का फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, अगर फायदा आपको कहीं नजर आता है तो बिल्कुल आप उसको दे सकते हैं। आयरन जो मना किया जाता है वो थैलेसीमिया के मरीजों में मना किया जाता है, हाँ वहां पे वो सब्जियां मना की जाती हैं कि जो जमीन के नीचे उगी हुई है, ठीक है, अब जमीन के नीचे उगी हुई सब्जियों का मकसद कुछ और है, उसका मकसद आयरन नहीं होता, अब ये कह रहे हैं कि कोइंसिडेंटली उन लोग चीजों में सब्जियों में आयरन भी ज्यादा होता है, लेकिन आयरन का कोई रोल इसमें सच नहीं है, दे सकते हैं बिल्कुल, वही बात है कि वहां पे आपने ये वर्णन कर लेना कि नुकसान ज्यादा है फायदा ज्यादा है, आप दे सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो तो जनरल कॉफी, बहुत से लोग होते हैं डेसन कॉफी स्पाइरुलिना तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डेसन कॉफी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, वो आम कॉफी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा जी अच्छा जी लाओ जी कप कॉफी का चढ़ा दिया, आम कॉफी की ये बात। अच्छा सर, जब ये हम पेशेंट मरीजों को कहते हैं उनको शिफा देते हैं तो डॉक्टर दवा क्यों नहीं देते? दवा क्यों नहीं कहते? दवा किन चीजों को कहा जाता है? मेरा सवाल, हमारे जहन में दवा की क्या डेफिनेशन है?
जो मेडिकल स्टोर से मिल जाए डॉक्टर लिख के डिजीजेस को डिक्रीज कर। देखिए अब मैं आपको बता थोड़ी सी सुनिएगा मेरी बात। एस्प्रिन का नाम आप सब लोगों ने सुना है? क्या चीज है? क्या चीज है? टैबलेट। टैबलेट तो क्या चीज है? दवा। चाहे वो खून को पतला कर रही है, सर दर्द दफा कर रही है, दवा है ना। एस्प्रिन दवा है। सिर का क्या चीज है? एस्प्रिन दवा, सिर का रिजा। ये एस्प्रिन किससे बनी है? किसी सिरके से केमिकल प्रोसेस से गुजार के एस्प्रिन बनी। सिरके को केमिकल लैंग्वेज में कहते हैं एसिटिक एसिड। एस्प्रिन को कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, डॉक्टर नहीं बना रहा ना इसको याद रखना, सिर्फ समझिएगा, समझ के लिए। इसको कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में ये होता है कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ना ये स्टडी करती है कि अगर ये चीज हम निकाल दें और ये चीज हम इसमें जोड़ दें तो इसकी अफालियत किस हिस्से में बढ़ जाएगी। तो जब उन्होंने सिरके को देखा तो उन्होंने देखा कि अगर हम इसमें कुछ चीजें निकाल के कुछ चीजें जोड़ दें तो ये दर्द की दवा बन जाएगी। इसकी एक प्रॉपर्टी खून को पतला करने की भी होगी। सही है? सिरका क्या करता है? फायदा करता है। आप बोतलों की बोतलें, पहले जमाने में तो घड़ों में बनता था, घड़ा पी जाए पूरा, क्या नुकसान करेगा? दवा उस चीज को कहा जाता है कि जो केमिकल है, जो केमिकल है, जो असल चीज है वो क्या है? वो देता है। अच्छा, जितनी भी दवाएं दुनिया में मरीज वजूद में आई हैं, 95% नबतात से आई हैं, 5% जानवरों से आई हैं। 95% नबतात से आई हैं और 5% जानवरों से। मिसाल के तौर पे सांप के काटे का इंजेक्शन उसी के जहर से बनता है। इंसुलिन लबलबे घोड़े या भेड़ के या सुअर के लबलबे से हासिल की जाती है। हमारे मुल्क में सुअर वाली नहीं आती, लेकिन घोड़े या भेड़ के लबलबे से हासिल करता है इंसुलिन। भी क्या आई? जानवर के सूर से आई। आपको मैंने बता दिया इसका क्या कहते हैं, एस्प्रिन का। तो बहुत सारी, चाहे वो होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, ठीक है, एलोपैथिक है, ज्यादातर दवाएं किसी ना किसी नबतात से आती, लेकिन क्योंकि उसको प्रोसेस से गुजार दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है? वो दवा है। किसी भी उसमें, इसकी मिसाल आपको मैं ये दे दूं, सॉरी गिरा तो नहीं भाई, ऋषि मशरूम जो हमारी कंपनी की बुनियाद है, ये होम्योपैथिक में कैंसर की बुनियादी चीज दवा है। होम्योपैथिक में क्या है? कैंसर की बुनियादी दवा है। उस कैंसर का पेशेंट आता है तो जहां बहुत सारी चीजें बुनियादी तौर से देते हैं, इब्तदाई तौर से उन्होंने ये देना है, तो उसमें ऋषि मशरूम भी बतौर दवा शामिल है। उसको वो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टिंचर। ऋषि मशरूम टिंचर। आप किसी भी शॉपिंग कंपनी पे जाए आपको मिल जाएगा ऋषि मशरूम टिंचर। उसमें क्या है? उसमें 70% अल्कोहल है। टिंचर में क्या होता है? 70% अल्कोहल होता है, क्योंकि उसको केमिकल प्रोसेस से गुजार दिया। अल्कोहल क्या है? केमिकल। उसको केमिकल प्रोसेस से गुजार दिया तो वो ऋषि मशरूम, आप यहां का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं कैंसर में, तो वो क्या है? गिजा है। लेकिन अगर होम्योपैथिक वाला दे रहा है तो क्या बन गई? दवा। यह फर्क है कि कोई भी कुदरती चीज आप केमिकल प्रोसेस से गुजार रहे हैं वो दवा। वो जो बगैर वो है, बहुत सारी है। आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक में मैंने आयुर्वेदिक का नाम नहीं लिया। आयुर्वेदिक में क्या है? आयुर्वेदिक में वो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को कूटते हैं, पीटते हैं, मिलाते हैं और वो बना देते हैं।
ठीक है, तो बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन दवा वहां है कि जहाँ पे केमिकल प्रोसेस से आपने गुजार दिया, तो उनका केमिकल प्रोसेस क्या होता है वो दूसरा होता है, एलोपैथिक का क्या केमिकल प्रोसेस है वो कुछ और है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो करके इसको दवा नहीं कहते। तो ये कह रहा है कि जिस तरह आयुर्वेदिक में और यूनानी के अंदर और जो मेडिसिन कहते हैं, तो हम यहाँ क्यों नहीं कहते मेडिसिन, ये फूड सप्लीमेंट है, कुदरती अंदाज है, भौतिक पद्धति है, वो कह रहे थे, उनको कह रहे थे उनसे, हमें उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अपने इलाके में काम कर रहे हैं, उनका अपना इलाका है, ठीक है। हम फूड सप्लीमेंट है, हम पूरी दुनिया में ऋषि मशरूम को अमेरिका में चले जाएगी, आपको पता है स्पाइरुलिना सबसे ज्यादा किस मुल्क में उगाई जाती है, अभी अफ्रीका हो गया, अमेरिका में, नासा ने इतनी तहकीक की, नासा ने सबसे ज्यादा दुनिया की स्पाइरुलिना काश्त की जाती है ना स्पाइरुलिना में, तो वो अमेरिका है, अमेरिका में भी इसको दवा नहीं कहा जाता, तो क्या कहा जाता है फूड सप्लीमेंट। येलो धर्मा सबसे ज्यादा कहा होता है, अभी तक मुझे पास फिगर नहीं है, लेकिन चार पांच साल पांच फिगर 6,000 टन सालाना वो गैर धर्मा काश्त करते हैं, उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, वहां भी फार्म में कुदरती तौर से भी फार्म नहीं, वो भी उसको दवा नहीं कहते। बेताशक तहकीक हो रही है, हो सकता है कुछ आने वाले वक्तों में हम गैरोनर्मा की बहुत सारी अद्वियात भी देखेंगे, ये जो फार्मास्यूटिकल ने निकाली हुई है। और कोई सवाल? नेचुरल तरीके से जो चीजें मिलती है, जो गैरोनर्मा है, जो भी है, उसके अंदर और फार्मिंग के अंदर तो फर्क तो होगा ही, असल असल है कि भाई क्या फार्मिंग तो फार्मिंग फॉर्म तो ये ऐसे मतलब है कि भी कर रहे तो उसकी मतलब हिफाजत में उसकी अपना एक्टिविटी में तो लाजमी काम जैसा जैसे मुझे सुन, मैं आपकी बात कैसे था तो आपके जहन में देसी और ब्रायलर का शायद कॉन्सेप्ट है, ये कुछ इस तरीके का है, वो निकाल दीजिए। देखिए फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग ये होती है कि वही माहौल वही एनवायरनमेंट आप उसको देते हैं। अब जो हमारा फार्म है मलेशिया में, अगर आप मूवी में देखें या हमारी वेबसाइट पे जाकर देखें तो आपको लगेगा वो टीन का एक छपड़ा नजर आता है, कि टीन के एक छप्पड़ में जो है वो शायद कुछ उगा है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं तो क्योंकि ये कहां होता है, ये होता है उन जंगलों में जहां बहुत ज्यादा नमी होती है, बारिश का तनासब बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ये उगाया उगता है, ठीक है, दरख्तों पे पुराने दरख्तों पे। पहला काम क्या किया जाता है, जो इसके लिए बेड बनाया जाता है उसमें पुराने दरख्तों की लकड़ी का बुरादा जाता है, यानी कि जो रिजा इसमें लेनी है वो वहां किससे ले रहा है, वो दरख्तों के तनों से। तो इसमें क्या डाला जा रहा है, लकड़ी का बुरादा, पुराने दरख्तों की जो दरख्त सूख गए हैं या तो बहुत पुराने हो गए, उनको सुखा के उनकी लकड़ी से बुरादा बनाया जाता है और वो उस बैग में डाला जाता है, उसके साथ चावल का छिलका डाला जाता है, ये दो चीजें, लेकिन ज्यादा मिकदार में लकड़ी का। तो बुनियादी तौर से उनके उगने का जो विधायक हासिल करने का जो चश्मा है या बुनियाद है वो सेम करती है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या है, जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में क्या है कि किसी किस्म की उसमें कोई खाद नहीं डाली जाती कि बढ़े या तेजी से, या कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल किया जाता कि इस पर कीड़ा ना लगे, कीड़ा लगता है लगे, जितने उस दिन में उसने बढ़ना है उतने दिन में वो बढ़े। तीसरी चीज क्या की जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया या आप खुद भी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जी मॉइस्चर चाहिए यानी नमी चाहिए और इसके लिए ह्यूमिडिटी चाहिए। तो ये पूरे फार्म में पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जो मुख्तलिफ औकात में इस पे पानी का छिड़काव यानी बारिश को बरसाता है और इस तरीके से उसमें ह्यूमिडिटी जाती है जैसे बादल निकलता है। ये पूरा टेक्निकली जो है वो बनाया गया है, वही इन्वायरमेंट मिल रहा है कि जो इन्वायरमेंट उसको कुदरत में मिलता है, ठीक। हाँ अगर आप मजीद वो करना चाहते हैं
तो फिर इसके लिए आप किसी भी लेबोरेटरी से जाते हैं, आप बिलाशुबा रॉ मशरूम BXN का मशरूम टेस्ट करवा दीजिए, आपको यकसा ही चीजें मिलेंगी, परंतु उससे ज्यादा बेहतर रॉ मशरूम मिलेगा नहीं पाकिस्तान में। फिर दूसरी बात यह, वो लेबोरेटरी नहीं होगी ना, टेस्ट सब होता है, सब होता है, यहाँ सब है। रॉ मशरूम आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान में बेताशा है, आप इधर जाइए कश्मीर वगैरह इधर की साइड जाइए, गरम रमा बेताशा गरम रमा आपको मिलेगा। सुर्ख, क्योंकि इसकी छह इकसाम है ना, छह कलर में ये होता है। सुर्ख सबसे बेहतरीन है, सुर्ख काला हरा पीला सफेद और नीला, यानी वो बैगनी इस कलर का, जैसे बेहतरीन का नाम इस तरीके का, इस कलर का, ये सारे के सारे कलर भी यहाँ मिलते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, लकड़ी का जो बुरादा इस्तेमाल करते हैं वो दो चार साल के बाद उसकी जो इनकी रेडियंस है वो तो कंज्यूम हो जाते हैं, जब उसको चेंज करते हैं तो दिन करते रहते हैं। एक दफा एक बैग में उगा दिया तो उसमें दोबारा क्यों उगाते हैं? हर आपने, अगर आपने डीएक्शन की मूवी, आप मेमर जी, आपने डीएक्शन की मूवी देखी है, वो भर रहे होते हैं जी। ये हर मशरूम को उगाने के लिए हर बार नया बैग बनता है, ऐसा नहीं होता कि एक बैग बन गया वो चल रहा है, नहीं, वो एक दफा बनाते हैं उसको फेंक देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा बैग बनता है, क्योंकि तीन महीने में वो पूरा उग जाता है, तीन महीने के बाद वो जाया जाता है, फिर उसके बाद नया बैग बनता है। एक मशरूम, एक में एक मशरूम, अब अंदाजा कर लीजिए कहीं ये टेक्निकली देखने में तो, ये कहने में तो हम बड़ा आसान सा प्रोसेस करते हैं। फिर ये भी बता दूं मैं, मशरूम में ये जो पाउडर आपको मिलता है ना, ये हम एक मेथड है जिसको हम कहते हैं ड्राई फ्रीज मेथड, ये टेक्निकल लर्न है, बस ध्यान में रखिएगा, ड्राई फ्रीज मेथड होता है। इसको हम क्या करते हैं, इस पूरे मशरूम को डाल देते हैं, बहुत बड़ी सी मशीन है जिसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, उसमें डालते हैं, उसमें 20 किलो मशरूम जब हम डाल देते हैं और उसको घुमाते हैं, उसमें से हमें 1 किलो पाउडर आ सकता है। 20 किलो ये एक्स्ट्रा है, 20 किलो पाउडर हासिल किया होता है हमने, 20 किलो में से 1 किलो पाउडर हासिल होता है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि कितना सोफिस्टिकेटेड, आप अगर कभी मलेशिया जाए तो जरूर जाइएगा फार्म और विजिट, क्योंकि कोई भी मेंबर जाता है और यहाँ से वो रब्ता करता है हमारे कराची ऑफिस से, तो कंपनी जरूर उसको कॉम्प्लीमेंट्री बुलाती है फार्म फैक्ट्री दिखाने के, आए देखें। आपका अगर कभी जाना हो मलेशिया या फिर कोई जरूर दिखाएंगे, जो कुछ आप कॉर्पोरेट रिव्यू में देखते हैं ना वो एज इट इज जो है वो वहां पर रहता है। ये साहब हैं, ये अपने तारुफ खुद कराएंगे और कितनी दफा ये फार्म फैक्ट्री देख के आए हैं,